हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं लगन, अ पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपकी आरजे दिव्या ज्योति। आज की जो मेरी कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंस्पिरेशनल है। खैर, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, कहानियां सुनना और सुनाना सबको पसंद है, पर आपको पता है कहानी सुनने से ज्यादा उसे महसूस करना चाहिए, उसे जीना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आज की जो मेरी कहानी है आप सुनने से ज़्यादा उसे महसूस करेंगे, उसे जिएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है इद्दत। आज की हमारी कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है दुआ मुख्तार, जिसे लिखने का बहुत शौक है। जब वो लिखती है तो अपना हाल दिल इतनी खूबसूरती से बयां करती है मानो लगता है अपना दिल निकाल कर रख दिया हो। आज दुआ खुश भी लग रही थी और नर्वस भी, क्योंकि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। अब तक दुआ जितना शायरी, कहानियां, कविताएं लिखते आ रही थी, आज उसे दुनिया के सामने पेश करने के दिन थे। आज वो सोच रही थी, जितने सब्र से उसने ये सब लिखा है, सामने बैठे लोग पता नहीं वो सब्र दिखा पाएंगे कि नहीं। जब वो उनकी आंखों में देख के अपनी कहानियां, अपनी शायरी, अपना हाले दिल बयां करेगी, पता नहीं लोग उस दिल को समझ पाएंगे कि नहीं। 24 जुलाई 2008, ये तारीख दुआ के डायरी पर सबसे ऊपर लिखी हुई थी। वो बार बार उस तारीख को देख रही थी और डायरी बंद कर रही थी, खोल रही थी, डायरी बंद कर रही थी। कोई भी देख के बोल सकता था लड़की बहुत नर्वस है, और होगी भी क्यों नहीं, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था आज। इतने लोगों के सामने अपनी सोच रखने वाली थी वो। कुछ ही मिनटों में दुआ स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। उसने धीमे आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ मुख्तार है। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, सुनाई नहीं दिया मैम, आपने बोला क्या? इस बार दुआ थोड़ा जोर से बोली, जी मैंने कहा मेरा नाम दुआ मुख्तार है, मैं अपनी पंक्तियों का शुरुआत करना चाहूंगी। फिर दुआ ने कहा, इजाजत हो तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, अगर आप सब सुनना चाहें तो। भीड़ में से एक सुर में आवाज आई, इरशाद इरशाद। दुआ पंक्तियां पढ़ना स्टार्ट की, एक चांद तुम्हारी खिड़की पर, एक चांद हो मेरी बाहों में, एक चांद तुम्हारी खिड़की पर, एक चांद हो मेरी बाहों में, एक शाम फकत मेरे नाम करो, एक शाम फकत मेरे नाम करो, तो हर शाम गुजरे तेरी पनाहों में, एक चांद तुम्हारी खिड़की पर, एक चांद हो मेरी बाहों में। अब चांद की बातें कर बैठी मैं, अब चांद की बातें कर बैठी मैं। दुआ जैसे ही आगे की पंक्तियां बोलना शुरू की, तभी भीड़ में से एक आवाज आई, मोहतरमा आसमान में लगे उस चांद की तारीफ हो गई हो तो क्या मैं अपने आगे बैठे चांद की तारीफ कर सकता हूं? दुआ की आंखों पर तेज रोशनी आ रही थी, इसलिए वो भीड़ में बैठे उस शख्स को पहचान नहीं पाई। वो उसकी आवाज को अनसुना करते हुए आगे बोली कि पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि अब चांद की बातें कर बैठी मैं। कि तभी फिर से वही आवाज तेज होके उसके पास आई, मोहतरमा मेरा नाम आरिफ है, इजाजत हो तो क्या मैं अपने चांद की तारीफ कर सकता हूं? उसी आवाज को दूसरी बार दुआ सुन के इस बार नजरें उठा के भीड़ की तरफ देखी। ऐसा लग रहा था मानो इस बार सच में उस शख्स को देखना चाह रही हूं। दुआ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आज कुदरत के बनाए करिश्मे की तारीफ करने देंगे, माजरत चाहूंगी आप सबों से, पहले इन्हें अपनी चांद की तारीफ कर लेने दें, फिर मैं अपनी पंक्तियां पूरी कर लूंगी। जी महाशय, कहाँ है आपकी चांद, इस भीड़ में या आपकी पंक्तियों में? आरिफ कहता है, जी मेरे सामने। इतना सुनते ही दुआ की नजरें झुक गई, ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी आंखें और अनदेखा चेहरा
उसे असहज महसूस करवा रहा हो। दुआ बोलती है, जी माफ कीजिएगा। फिर आरिफ बोलता है, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। आरिफ की बातें सुनकर दुआ हंसने लगी। क्या क्या कहा आपने? आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं? इद्दत में बैठे चांद की इबादत करने की इजाजत मांग रहे हैं आप? अगर आपका समाज ये इजाजत देता है तो बेशक कीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप जिस चांद की इबादत करने की इजाजत मांग रहे हैं ना, उस चांद पर इस समाज में बैठे एक मर्द को ग्रहण लगा दिखाई देता है। दुआ की बदले इस रवैये और इस लहजे से सबके अंदर एक सवाल चल रहा था। सब ये सोच रहे थे, ये क्या हो गया अचानक से? पर इस बार भी दुआ की नजरें झुकी नहीं थी, वो सबकी आंखों में झांक रही थी। हालांकि स्टेज पर तेज रोशनी से दुआ सामने बैठे लोगों को देख नहीं पा रही थी। फिर दुआ ने कहा, आरिफ साहब, आपको पता है कुछ दिन पहले ही मेरे शौहर ने मुझे तलाक दिया है, और आपको पता है रीजन क्या था? मैं अपने सोच और अपने सपने को समाज के सामने लाना चाहती थी। देखिए, मैं आज भी अपने शौहर को खुद से कम नहीं आंकती, पर हाँ, शायद मेरी सोच उसकी सोच से कहीं ज्यादा ऊंची और अच्छी है। अब मर्दों को ये मानना पड़ेगा कि औरतें अभिशाप नहीं हैं। कब समझेंगे ये लोग कि अगर आप सांस लेते हैं तो हम भी सांस लेते हैं, हमारी भी अपनी सोच है। हम औरतें सिर्फ आपका टिफिन, आपका घर संभालने और आपका बच्चा पैदा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हैं। हम भी आपकी तरह काम कर सकती हैं, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, सब हम कर सकते हैं। लोग ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर की बात नहीं है, मैं उन औरतों की तरफ से बोल रही हूँ जो वो नहीं बोल पाती हैं सारी बातें, जिन्हें ये स्टेज नहीं मिल पाता है। कुछ औरतें होती हैं जो हिम्मत करती हैं, दुनिया के सामने आती हैं और अपनी सोच रखती हैं। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो समाज में बैठे ठेकेदारों की सोच की शिकार बन जाती हैं और समझौता कर लेती हैं। खैर, मैं भी ना कहां सर फोड़ रही हूं अपना। यहां बैठे हजार लोगों में से मुझे लगता है सिर्फ 100 लोग ही होंगे जो मुझे सुन पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे। माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग रहा हो मेरी बातों का, बट सच्चाई तो यही है ना। खैर छोड़िए आरिफ साहब, अब आपसे क्या गिला करें हम, वरना आप बोल देंगे कि मैं तो उन मर्दों में से हूं ही नहीं। एक काम कीजिए, आप इस चांद को ना रहने दीजिए। ये चांद ग्रहण लगते हुए ही इस दुनिया को रासाना चाहती है। अब देखे ना, क्या बोलने आई थी और क्या बोलने लगी। खैर, ये भी जरूरी था। शुक्रिया। हाँ, अगर आप नहीं बोलते ये बातें तो शायद मैं अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाती। ये मेरे अंदर बहुत टाइम से चल रहा था कि मैं दुनिया के सामने बोलूं क्या महसूस करती हूँ मैं। दोबारा माजरत चाहूंगी आप सबों से कि पंक्तियाँ पूरी नहीं कर पाई मैं, छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि कुछ पंक्तियाँ और कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती हैं। आज की कहानी सुन के ऐसा लग रहा था कि किसी सच में बैठी दुआ से एक सरसरी सी मुलाकात हुई हो। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।